शिवपुरी शहर में आशीष की चोरी हुई, वरना कार मिलने पर बजरंग दल और आशीष ने देहात थाना पुलिस का फूल माला पहनाकर और मिठाई खिलाकर सम्मान किया। हम आपको बता दें कि आशीष की कार झांसी तिराहा स्थित ICICI बैंक के सामने से चोरी हो गई थी। कार मिलने की खुशी में पुलिस का सम्मान करने पहुंचे आशीष वरिष्ठ पत्रकार राम यादव और बजरंग दल की टीम के साथ यहां थाना प्रभारी रत्नेश यादव सहित समस्त देहात पुलिस स्टाफ का सम्मान किया एवं आभार व्यक्त किया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। इसके पीछे घटनाक्रम ऐसा है कि जो आशीष गुप्ता जी की जो वरना कार चोरी गई थी वो पुलिस टीम के द्वारा लाई गई है, जिसके संबंध में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के सदस्यगण एवं आशीष जिनका वाहन पुलिस लेकर आई है उनकी तरफ से पुलिस टीम का जो है सम्मान किया गया है। भैया आपका पूरा जी, मेरा नाम आशीष सेठ है। अच्छा, आज जो आपने सम्मान समारोह रखा गया थाने पे, देहात थाने पे, किस लिए रखा गया? क्या जी, मेरी वरना कार पिछले महीने की 19 तारीख को चोरी हुई थी जी, 19 अक्टूबर को जी, यानी 19 सितंबर को चोरी हुई थी और मेरी आज उन्होंने एक महीने के अंदर मेरी देहात थाने की जो कोशिशें हैं और उन्होंने मेहनत से देहात थाने में भाई के अंदर जी एक महीने के अंदर मेरी कार साकोसल उन्होंने मेरी दिलवाई है, वापस लेके आए हैं और जिसमें मैं रत्नेश जी का, मेरे विनय भैया, विनय जो दीवान जी है, इनका बहुत अहम भूमिका रही है। साथ में भार्गव साहब जो हैं उनकी भी बहुत अहम भूमिका रही है, जो पानीपत से चोर पकड़ के लेके आए थे। विनय दीवान जी भी तीन बार पुणे गए जी और तीन बार जाके फिर मेरी गाड़ी लेके। तो आज कार आपको मिल गई है तो कितनी का खुशी महसूस कर रहे हो आप? देखिए, मेहनत की कमाई होती है तो बिल्कुल दुख तो होता है जब कोई चीज़ चली जाती है जी। बाकी आज जो पुलिस की भूमिका है वास्तव में सराहनीय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल